नमस्कार, मैं सियादे और आप देख रहे थे टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक ये टेबल है, इसका वीडियो आप देखिए। तो ये टेबल दिखने में ऐसे तो सिंपल ही दिख रही है, लेकिन ये है बहुत टेढ़ी मेढ़ी काम। इसका जो है वो इस तरह का है कि जल्दी से ड्राइंग है वो भी समझ में नहीं आती है, और जो नया आदमी है उसको तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। तो इसीलिए इसी तरह की जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, इससे किसी भी तरह की ड्राइंग जब आपके सामने आएगी, अगर आप ठीक से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही आराम से वो समझ में आ जाएगी। और अगर आप लोगों में से कोई भी ड्राइंग पूरी तरह से समझना चाहता है, पर्सनली बात करके समझना चाहता है, तो वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है। ज़्यादा का नहीं है, 99 में भी ले सकता है। व्हाट्सएप पे भी मैं उसको पूरी है वो बात, जो भी वो पूछेगा उसका सवाल जवाब उसको मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं आज का वीडियो में और समझते हैं आज की ड्राइंग को। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे लोगों को शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। तो चलिए अभी चलते हैं वीडियो में और देखते हैं आज का वीडियो। तो देखिए ये वाली है पूरी ड्राइंग। अब इसमें सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे प्लान को। तो ये वाला इसका प्लान है और इसमें लिखा स्टोन टॉप, यानी ऊपर स्टोन का टॉप है। देखते ही ये बात इसमें पता चल जाती है। अब इसके बाद में ये वाला प्लान हो गया, क्योंकि ऊपर पत्थर है इसलिए नीचे कुछ दिखेगा नहीं। अब इसके लिए इसका बनाया है नीचे सेक्शनल प्लान, ये वाला आप देख रहे हैं। अब सेक्शनल प्लान में है वो चीज़ें हमको जो इसमें है, माप वगैरह, नीचे का जो लग रहा है, देखिए नीचे जो टॉप इस जो जिस पे जो स्टोन टॉप टिकेगा उसके नीचे का जो हिस्सा है उसका माप आप पूरा देख रहे हैं। इसकी चौड़ाई 350 है, फिर ये 25 और 25, ये चीज़ें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये माप सारा दिया हुआ है इसमें। फिर ये नीचे का जो आप देख रहे हैं, ये एल हो गया, ये सी हो गया, फिर ये एक लंबा एल और हो गया, और ये सी हो, इस तरह से यहाँ पे बना हुआ नीचे का बेस में। अब इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो देखते हैं। ये इसका फ्रंट का एलिवेशन है। फ्रंट का एलिवेशन में देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 हिस्सा, ये इसका टॉप दिख रहा है, ये चैम्पर है साइड में। तो ये जो माप दे रखा है 125, यानी ये यहाँ से 125 बाहर निकल रहा है, फिर ये 200 का है, फिर ये 100 खाली जगह, फिर 400 का ये है, फिर 100 खाली जगह, फिर 150 का, फिर 100 खाली जगह, फिर 200 का, और 125 इधर है। ये चीज़ जो इसमें आप देख रहे थे, ये माप इसमें ये दिया हुआ है, ये इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी टोटल हाइट है वो 750, यानी कोई भी जो टेबल होती है, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, चाहे स्टडी टेबल हो, या बैठने के लिए ऑफिस टेबल हो, उसकी जो हाइट होती है ना, हाइट है वो 750, इसकी एक फिक्स हाइट होती है। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 mm प्लस माइनस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 750 उसकी एक स्टैंडर्ड हाइट है। तो ये हाइट कोई भी टेबल जो है उसकी होती है। अब ये चीज़ हो गई, इसमें टोटल ये आप देख रहे हैं 1350 इसकी टोटल बाहर से बाहर इसकी नीचे का माप है, 1500 ऊपर का माप है, यानी नीचे का बेस है वो 1350 का, ऊपर 1500 का, यानी ऊपर का टॉप है वो 150 इससे ज़्यादा है। अब इसके लिए देखिए नीचे वाला बेस ये हमने देख लिया। अब इसको चलते हैं साइड एलिवेशन। जब इसी को हम साइड से देखते हैं तो ये देखिए साइड से जो टॉप है 350, ये चैम्पर इसका दिख रहा है, और नीचे का ये वाला बेस, और ये खड़ा जो ऐसे में दिख रहा है, देखिए ये वाला हमको ये जो साइड दिख रही है। अब ये इतना साइड से इतना क्यों दिख रहा है आप देखेंगे, ये वाला, तो ये वाला आप यहाँ पे सेक्शनल प्लान में जाएंगे ना, तो ये साइड से मान ली, साइड से इधर से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं, तो इधर से देखेंगे तो इधर से सबसे पहले ये वाली जो प्लाई है, MDF है, जो भी आप लगाएंगे, ये वाला जो पीस है इसकी चौड़ाई है वो सामने आ गई, तो इसके पीछे सारी छुप गई, तो सिर्फ एक ही दिखेगी जैसे ये दिख रही है। तो इस तरह से ये चीज़ हमें समझनी पड़ती है
कि ये वाला साइड से ये इतना ही चौड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये बाकी के सारे इसके पीछे छुप गए। चाहे इधर से देखेंगे तो इधर वाली ये आ जाएगी, इसके पीछे सारे छुप जाएंगे क्योंकि सबका माप एक ही है। लेकिन अगर किसी का माप चौड़ा होता ना, तो वो सबसे जो चौड़ा माप था वो अपने को यहाँ पे साइड एलिवेशन में दिखता। ये चीज है। इसके बाद में हम चलेंगे इसकी टॉप की डिटेल में। तो ये वाली टॉप की डिटेल है, यानी आप देख रहे हैं ये जो टॉप है, ये टॉप की ये डिटेल यहां से आप देख रहे होंगे। ये वाला जो सेक्शन इसका काटा है, अब सेक्शन आप है वो समझते हैं नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता दूं। देखिए सेक्शन, ये अक्ष सेक्शन यहां पे आप देख रहे हैं एलिवेशन में से ये काटा हुआ है, ये वाला हिस्सा यहां से कटा हुआ है और इधर की तरफ हम देख रहे हैं। तो यानी ये जो टेबल पूरी मान लीजिए, ये टेबल है, ये इसका सेक्शन प्लान है। अब इसने यहां से मान लीजिए खड़ी टेबल, और टेबल को हम अगर यहां से बीच में से काट दें, काट के दो हिस्से में बांट दें, और इधर वाला हिस्सा है वो हम देखने को मिले, तो इधर खड़े होकर जब हम देखते हैं तो हमें ये वाला जो सेक्शन में जो दिख रहा है, देखिए आप देख रहे हैं ये वाला जो चीज है, ये वाली चीज देखने को हमको मिलेगी। देखिए ये नीचे का जो जिसपे ये स्टोन है, और ये नीचे की प्लाई या एमडीएफ जो भी हम लगाएं वो वाला, इसके ऊपर ये स्टोन का जो टॉप है ये बैठेगा। अब इसका यहां से डिटेल उठा के बड़ा किया तो आप देख रहे हैं ये वाला जो देख रहे हैं, फिर इसके बारे में लिख दिया टॉप मेड ऑफ 16 mm थिकनेस प्लाई विद बोथ साइड लेम फैब्रिक। तो ये वाला जो दोनों साइड में इसमें सनमाइका लगी हुई है और इस पे ये स्टोन लगेगा, इस तरह से हो गया। फिर यहां से देखिए ये वाला, ये एक जो प्लाई है इसकी टक्कर हमें दिख रही है, और एक ये साइड में ये वाले एल दिख रहा है। अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है, देखिए क्योंकि ये यहां से जब काटा, यहां से काटा तो इधर जब हम देखेंगे ना तो प्लाई की टक्कर, तो जो ये प्लाई सिंगल प्लाई जो दिख रही है ये कटी इसकी दिख रही है, और जो टक्कर है ये इसकी, इधर से देखेंगे तो हमको इसकी यानी ये वाली धार जैसे हमें इसमें सामने दिख रही है ना, ये वाली इधर से देखेंगे काट के तो इसकी धार हमें दिखेगी। और जो एल दिख रहा है वो एल ये वाला जो खड़ा आप देख रहे हैं ना, जैसे यहां से काटा तो ये वाला हिस्सा, ये तो हमें यहां ये हिस्सा दिख रहा है, ये देखिए ये वाली जो दिख रही है ये हमें ये यहां से यहां तक कैसे दिख रहा, और ये यहां से काटा तो इसकी हमको दिख रही है जो टक्कर है वो एज इसका, ये वाला ये इसका एज दिख रहा है, और ये वाला एल जब हम इसको साइड से इस तरह से काट के देखेंगे तो हमें ये चीज दिखाई देगी। बाकी चीज इसमें नीचे का जो बेस है ये वाली, ये यहां से डिटेल उठा के ये दे दिया, तो ये देखिए इस तरह से ये नीचे का बेस दिया हुआ है, यानी ये 16 mm थिकनेस MDF विद मेटेलिक पेंट, इस तरह से ये दिया है। ये 25 mm इधर बाहर है, ये नीचे है 4 mm थिकनेस MS प्लेट, ये MS की प्लेट आएगी और उसके ऊपर ये वाला फिट होगा, जैसा कि आप इसमें ये फोटो में देख रहे हैं, इस तरह से ये बनना है। तो जब भी हम ये चीजें एक एक करके इस तरह से समझेंगे तब ये चीजें समझ में आती हैं। और अगर आपको प्लान एलिवेशन या सेक्शन क्या होता है कैसे होता है ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पुराने वीडियो बहुत सारे इस बारे में बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।